हेलो, हैप्पी रक्षाबंधन आप सबको। तो आज है रक्षाबंधन का पहला दिन। तो हमारे यहाँ पे ना मतलब सूंड मांडे जाते हैं, जैसे चूना जो आता है वो चूना और हरी मिर्च, हर मिर्च क्या बोलते हैं उसको, हमारे तो यहाँ हर मिर्च बोलते हैं। तो उन्हीं से ना पहले हम सफ़ेद रंग से जो चूना होता है उसे पोत देते हैं, और फिर उस पर जो लाल कलर का आता है कलर, उससे मतलब फूल या फिर मतलब सास्तिक या फिर छबड़ी या कुछ भी हम मांड देते हैं। ये हमारा सूंड होता है, मतलब रक्षाबंधन के पहले दिन हमारे यहाँ पे ये मांडा जाता है। घर में जितने भी द्वार होते हैं, मतलब गेट होता है रूम का हो या फिर किसी का भी हो, वहाँ पर सारे सब में वहाँ पे अच्छे से फूल वगैरह मांडे जाते हैं। तो आपके भी यहाँ मांडे जाते हैं क्या, प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। हमारे यहाँ पर ये सब मांडे जाते हैं राजस्थान में, तो जो लोग राजस्थान से उनको तो पता ही होगा कि हाँ लिखते हैं। तो ये पहले का, मतलब 1 साल पहले का था पुराना, तो उसी के ऊपर फिर से पोत कर हम, मतलब जो सफ़ेद रंग का होता है उसी से पोत कर, और फिर लाल रंग से, देखो मैंने सतिया और ये है छबड़िया, तो ये मतलब एक शुभ काम होता है। तो ये मैं कर रही थी, और बाबू को मैंने बोले देव को कि तू बेटा मेरा वीडियो बना दे, तो वीडियो बना रहा था लेकिन ऐसे ही बना रहा था। फिर ये काम हो गया था मेरा, तो फिर मुझे ना आज मेरे बाल मतलब सर में बहुत ज़्यादा खुजली हो रही थी, तो मैं जानवी को बोल रही थी बेटा देख मेरे कहीं ढेरे तो नहीं, जुएं तो नहीं गिर गई, अगर मेरे जुएं हो जाएगी तो कौन निकालेगा, लेकिन जुएं नहीं थी, सफ़ेद बाल हो गए। तो ये सफ़ेद बालों को उपाड़ रही थी, तो मुझे अच्छा लग रहा था। बोलते हैं कि सफ़ेद बालों को नहीं उपाड़ना चाहिए, जितने सफ़ेद बाल आप उपाड़ोगे उतने ही सफ़ेद बाल आपसे ज़्यादा होंगे, लेकिन वो क्या होता है ना, कोई हमारे सर में हाथ भी थोड़ा सा लगा देना तो ऐसा लगता है कि अच्छे से हमारे हाथ मालिश हो जाए। तो फिर मैंने बोला ठीक है छोड़, इतना ही कर तू, और तेल की मालिश कर दे थोड़ी सी। तो ये मेरे तेल में थोड़ा मतलब सिर में थोड़ा सा ऑयल लगा रही थी, और मैं यहाँ पे ना किसी का वीडियो देख रही थी, क्योंकि ये भी तो एक काम होता है ना, हम यूट्यूब पर हमें काफ़ी टाइम देना पड़ता है, तब जाकर हमारे ऐसे कोई वीडियो पे आता भी नहीं है, हम नहीं जाएंगे तो कोई आता भी नहीं है। तो मैं किसी का देख रही थी ऐसे बैठे बैठे, 11:30 बज रहे थे शायद, तो मैंने फिर बाल बना लिए। और फिर मैंने आज सुबह के ना बर्तन, नाश्ता के बर्तन नहीं साफ़ किए थे, क्योंकि आज घर पे बच्चे थे तो बच्चों के साथ थोड़ा सा टाइम लग गया, और फिर किसी का फ़ोन आ गया उसकी वजह से लेट हो गई। तो फिर मैं सारा काम ख़त्म करके ही बाद में ही मैं बर्तन साफ़ की, और अब लंच का भी टाइम हो गया तो मैं लंच बनाऊँगी। तो सोच रही हूँ कि क्या बनाऊँ लंच में। तो सब्ज़ी मैं देख रही थी फ्रिज में, मुझे सब्ज़ी कुछ दिखी नहीं, तो फिर मैं सोची क्यों ना ही, हम थोड़ी सी खड़ी पड़ी थी, और मैंने फिर आलू और बैंगन की सूखी सब्ज़ी बनाई थी। तो हम दोनों माँ बेटी यहाँ पे काट रहे हैं सब्ज़ी। मैंने बोला जानवी तू छील दे आलूओं को और मैं काट लूँगी, तो मैं यहाँ पर बैठी बैठी काट रही थी और ये छील रही थी। मिलकर काम कर लेते हैं ना तो जल्दी से फिनिश हो जाता है। फिर 1:30 बज गए थे, 2 बजे हस्बैंड खाने के लिए आ जाते हैं, तो फिर मैंने फटाफट बनानी पड़ी सब्ज़ी। तो ये रक्षाबंधन का पहले का दिन, मतलब 11 तारीख का है और हमारे हुई थी 12 तारीख को। आप लोगों के ये वीडियो कब जाएगा मुझे पता नहीं है ठीक से, ये मतलब पहले रक्षाबंधन पहले भी जा सकता है या बाद में भी, बाद में जाएगा पहले तो नहीं जाएगा। तो यहाँ पे मैं हमारे यहाँ 12 तारीख को राखी बांधी हुई थी, और कल रक्षाबंधन के दिन दूसरे दिन जब जो हमने ये सूंड बनाए हैं ना, वो सूंडों को वैसे चूरमा और खीर बनाकर उनको जिमाएंगे। और यहाँ पर मैंने आलू और बैंगन की सब्ज़ी छोंक दी है, तो ये हो जाएगी, और बाद में सोच चलो छाछ भी बना लेते हैं, सब्ज़ी तब तक हो रही है। तो दोपहर में हमें छाछ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सुबह तो दही खा लेते हैं, जैसे कुछ भी बनता है, उपमा है, सेमिया है, कुछ भी बनता है तो उसके साथ दही खाते हैं, और दोपहर में हमें छाछ चाहिए, चाहे आधा आधा गिलास ही हो। तो मैं यहाँ पे छाछ को अच्छे से घोट के और अच्छे से छान लूँगी। हम लोग तो फिर भी छानी हुई नहीं, मतलब छानी छाछ नहीं होती है तो पी लेते हैं, लेकिन देव नहीं पीता है बिल्कुल भी, उसको छान कर ही देना पड़ता, नहीं तो वो छाछ को फिर छोड़ देगा वो, या फिर नाले में ढोल देगा। तो वो इससे अच्छा है कि छान कर रख दे पूरी छाछ को, बर्तन तो एक एक्स्ट्रा होता है लेकिन छाछ को मैंने रख दी। और यहाँ पे हो गई है ये सब्ज़ी, इसमें बस मुझे मैंने हल्दी और नमक ही डाला है, अभी लाल मिर्च नहीं डाली, तो लाल मिर्च बाद में डालूंगी क्योंकि सूखी सब्ज़ी बाद में डालती हूँ। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे। और अभी बज रहे हैं 3:30, तो मेरा लंच का काम पूरा हो गया है और बर्तन वगैरह सब साफ़ कर
कर लिए, गैस भी साफ़ कर ली और बच्चे गए हैं ट्यूशन। आज उनकी छुट्टी थी तो ट्यूशन जल्दी थी, 3:30 बजे ही तो चले गए हैं वो ट्यूशन। अब और हस्बैंड भी खा पी कर रेस्ट करके वो भी दुकान चले गए हैं और मैं बची हूँ घर पे अकेली। तो मैं सोची व्लॉग का एंड कर लेती हूँ क्योंकि बच्चे रहते हैं ना तो घर में चहल पहल रहती है, अच्छा लगता है। और बच्चे चले जाते हैं ना तो फिर अच्छा भी नहीं लगता। टीवी देखे तो कितना देखे, टीवी आपको पता ही होगा, टीवी में मैं इतना मतलब सीरियल देखती हूँ, वो जो सुबह सुबह आते हैं वो मैं सुबह सुबह देख लेती हूँ। और पिक्चर वगैरह मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती तो मैं नहीं देखती, न्यूज़ भी नहीं देखती। तो बस ऐसे ही भागवत आती है ना, मतलब टीवी पे अच्छी अच्छी भागवत सुनाते हैं, शिव पुराण सुनाते हैं, तो वो सुनना अच्छा लगता है तो वो मैं कभी कभी सुन लेती हूँ। बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, मतलब शिव पुराण में, भागवत में और भी कई कई चैनल, कितने चैनलों पर सुनाते हैं ना जो गुरुजी होते हैं, तो वो सुन लेती हूँ। तो बस मैं सोची कि व्लॉग का एंड कर देते हैं, आप लोगों से बात भी कर लेते हैं। और आज व्लॉग में कुछ ज़्यादा शेयर नहीं किए हैं आप लोगों के साथ। और ये शायद है 11 तारीख का, ये कब जाएगा मुझे नहीं पता व्लॉग, क्योंकि व्लॉग मेरा ना आगे पीछे हो जाता है कभी कभी, तो कब जाएगा। लेकिन कई लोग तो 11 की रक्षाबंधन मना रहे हैं, कोई 12 तारीख की रक्षाबंधन मना रहे हैं, तो आप लोग कब मनाएं मुझे ज़रूर बताइएगा। हम तो 12 की मनाएंगे, मतलब कल राखी बांधेंगे और आज हमारे सून तो मंड गए, कल जिमाएंगे सून को। तो आप सबको हैप्पी रक्षाबंधन, भाई बहन का प्यार यूं ही बना रहे सबका, और भाई अपनी बहनों को यूं ही प्यार करते रहे और बहन अपने भाइयों को यूं ही प्यार करती रहे। और हमारे तो ना बहुत दूर रहते हैं भाई, तो हम राखी बांधने नहीं जा सकते, तो हम वैसे पोस्ट ऑफिस में मतलब पोस्ट के कोरियर कर देते हैं, तो वो जो वहीं से चली जाती है, सॉरी कोरियर से जाती है, कभी हम बांधने नहीं गए, वो दूर रह गए ना इसीलिए। तो उन भाइयों के पास पहुंच जाएगी तो वो अपने आप बांध लेंगे। और यही बस आज का व्लॉग में था, कुछ ज़्यादा नहीं। तो आपको व्लॉग पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।